मैं वीडियो में बता करूँ और तुमने बता दूँ। हम दो भाई है, मेरा बड़ा भाई गांव कागसर में रहता है, मैं जींद शहर में रहता हूँ। सात बाण तो हुए माजा, तुम भी मेरी बहन हो बेबे, कोई फर्क नहीं मानना 1% भी। जिसा भी टूटा फिरडा बंगा बोला हूँ, अगर थारा भाई नहीं है, किसी भी जात की हो, किसी भी धर्म की हो, जिस बाण का कोई भाई नहीं है उसके लिए रामधन गोस्वामी का दरवाजा खुला है। जैसा भी बंगा बोला टूटा फूटा हूँ मेरी बहनों, आप जरूर आइए, आपका स्वागत है। जिसा भी देखो धन मेरे पास नहीं है लेकिन दिल का मैं गरीब नहीं हूँ, जिसको राखी बांधने के लिए कलाई नहीं मिल रही उसके लिए मेरी कलाई हाजिर है, आप मुझे अपना भाई बनाए, इसमें कोई बुराई नहीं है। बात अच्छा लगा ताड़ी तो फूक क्यारो के जुलूम हो गई है। दिखावा एक अलग चीज होती है और असली बात एक अलग चीज होती है। ए मरी बाणो एक भजन सुनाऊंगा, बाण भाई का ध्यान देकर सुनियो। आज तुम कोर्ट में जाके देखियो 100% में तो गणे कौन कंधा में 70% इसे केस मिल जाएंगे। बाण ने भाई पर केस कर रखा है और देखे भाई ने बाण पर केस कर रखा है, रोला भी रखे बाण ने कह रही भाई आधा घर बटवाऊंगी, आधी धरती मार लूंगी, मैं माँ बाप ने जमी कोई ना, और छोरा नु कहे बेहद नहीं करगी, क्यों आए तेरे पीड़िए बात छुचक को थोड़ी सी दे सारे टेम्पो देने लग रहा, और तुम मांगे के कहने का मतलब क्या है, रोला जूत क्या वो बाज रहा है सारी दुनिया का रोला धन रेता का भी धन बनाना हो रही बराबर गल्ला जा गया। मैं नहीं उन्हें कहता पैसा ना कमाओ, पैसा कमाना जरूरी, बालक नहीं पड़ा महंगाई का जमाना, पीछा जरूर मैं भी तो कमाऊ हूँ, मैं गीत गा के बालक पढ़ रहा हूँ, कोई कर सक अपना अपना सबका रोजगार है, पैसा कमाना गलत नहीं है, लेकिन मैं न्यू कहना चाहूँ हूँ के आग लाओगे हेर पिया गए जो तम किसी का हक मार्ग कट्ठे कर लग रहे हो, चूल्हे में दोगे हेर पिया गड्डी ने जिसमें किसी की बद्दुआ छुपी है, के फूकोगे हेर पिया ने जो तुम रिश्वत लेकर इकट्ठा करने लग रहे हो, यकीन मानना जो पाप की कमाई है इस तरह का जो अड़प्या हुआ धन है एक ना एक दिन आपके गल की फांस जरूर बनेगा, मेरी बात को लिख लेना, बोल सच्चे दरबार की। ए मेरी भाणो भाई का हक ना मारियो, कहते मेरे भाइयों से भी कहना चाहूंगा भाई बेबे का हक मारोगे ना अड़े अड़े स्वर्ग से अड़े नरक से अड़े सब की मैं भाई, ये जो ये मंदिर बैठे मंदिर के अंदर भगवान बैठे ना ये सब ना देखे, मन ने भी देखे तुम ने भी देखे, जो जिसे करेगा उसने उसे फल अड़े मिल जाएगा। मेरे भाइयों बहनों एक छोटी सी घटना बाण भाई की बेबे ध्यान तो सुनियो, दो बाण भाई थे बेबे छोटे छोटे, कट्ठे स्कूल में जाया करते, कट्ठे एक बेंच पर बैठा करते, एक के क्लास में पढ़ार दे, एक के टिफिन में रोटी ले जा रहे, गुणाए लाड था एक सी ड्रेस पर यार दे, थोड़ा सा फर्क था घनी नहीं, दो तीन साल का बीचा होगा दोनों एक क्लास में, प्यार घना था दोनों बाण भाइयों का, धीरे धीरे समय चलता गया, छोरी भी सुभाषण हो गई, छोरा भी गाबरू हो गया, माँ बाप ने दोनों ब्याह दिए, वो छोरी का भी ब्याह हो गया और वो छोरे का भी ब्याह हो गया। ईवा जो छोरी थी वह गरीब घर में ब्याही गई, तो अपना कर्मा का खेल होता है, किसी ने बढ़िया घर मिल जाए किसी ने हलवा को खास बात नहीं है। ईवो जो लड़का था ना उसका भाई, वो पढ़ाई में थोड़ा आगे बढ़ गया, उन्हें सरकारी नौकरी मिल गई, अब का घर वाली आई वह भी फार्म फूरम भरिया कर दी, ताई पढ़ी लिखी थी, थोड़े दिन पाछा वह भी नौकरी लग गई, ईव चुगर दा माया लग गई, पर सुन एक छोरा सा दे दिया राम नो भाई का नाश्ता ना उपर उठिया थोबड़ी ने उपर करके चल दो मेरे वर्गा कोई नहीं है। वही बात फेरा की धनका नशा वो जवानी का रूप है, क्या है नशा के सब पउटे से, और धनका नशा गणा हो गया बेबे, एक माँ जाई बाण उससे तो टूट गया, वह फोन करे फोन नहीं उठावे, मैसेज करे रिप्लाई नहीं करा, खरी में वह छोरी उन्हें ब्लॉक मार दी। इव उसकी बेबे ने भी छाती में सबर का मुक्का मार लिया, जब तेरा भाई तेरी इज्जत ही नहीं करता उड़ जाने का के फायदा, उसने भी आना जाना बंद कर दिया। पर नु का करे टेम पर सारी चीज याद आऊ, मैं कई बार माँ का भजन गाता गाता रोन लग जाऊं, इवी भी 8 साल हो गए मेरी माँ न मरी ने, पर आज भी माँ का भजन गाऊ ना आंखों में दासू डटते को ना, क्योंकि टेम पर सारी चीज याद आऊ है। न बोलिया जिसके लाग गए वो ये जाने, बिन लागे बता कौन पिछाने, जिसकी गेल बनो उसे ने पता चलना, मूर्ख तो एक मिनट में कह दे बोलिया क्या ड्रामा है क्या नोटंकी करता है, आंसू आते हैं ये धक्का धक् करता है, बोले अरे महामूर्खो महा मैं तो नोटंकी करता हूँ, भगवान से दुआ करता हूँ कल ने तेरी गेल कोई ऐसा कांड ना हो जाए कि तरक या नोट की तन भी करनी पड़े। हे परमात्मा सबके माँ बाप को सलामत रखना, किसी के माँ बाप मत किसी से छीनना मत, निवेदन करो सुनो बेबे। ए मरी बाणो वह छोरी इतनी दुखी होगी, ये बार त्योहार आवे कदे रक्षाबंधन आवे, कदे भैया दूज आवे, कदे सामने में भाई कोथली ले देना आवे, पड़ोसना की सबकी कोथली और ऊ का भाई उसका बात भी ना करे, परेशान होगी। एक दिन की बात है जब दिवाली का त्योहार आता है तो हम अपने घर में सफाई कराया करें, करहा नहीं सारे अपन, वह छोरी अपने घर की सफाई लाग रही, करण एक पुरानी अलमारी थी उनके घर, अलमारी के ऊपर एक फोटो धरा था कोई ये साल पहले का, उसको भी याद नहीं था,
सफाई करते करते लागी कपड़ा मारन, एकदम एक फोटुआ आ पड़िया ऊपर दा छोटा था, और मुद्दा पड़िया नीचे, उन्हें देखा यू के कागज सा पड़िया, उन्हें उठा के देखा सीधा करया धूल जमरी, और कपड़े गेला जब साफ करके देखा तो एकदम से धक्का लग गया भीतर में, और बैठ गए प्रोड़े बैठ गए। क्या था उस फोटो में जरा सुनो, वो फोटो उन बाण भाइयों का बचपन का था, स्कूल टाइम का फोटो था, एक सी ड्रेस पर रे दोनों बाण भाई छोटे छोटे पुराने ख्याल में खोगिर, एकदम से अश्रुधारा बहनी शुरू हो गया, आंखें पानी आ गया, बड़े बड़े आंसू आ गए, नूली रे मेरे वीर, रे मेरे भाई रे, देखे रे फोटो में दोनों बाण भाई बैठे रे भूरे भूरे दोनों गोल गोल मुंह के रे, अरे देखे एक सी टाई बांध रे, एक सी बुरशट पहन रे, अरे बीरा देखे कितना लाड हुआ करता, तेरा कदे मेरे बिना जी नहीं लग गया, और मेरा भी तेरे बिना नहीं लग गया, और एक आज ही टेम आ गया, राम ने तेरा थोड़ा गर्म ब्योत कर दिया, मेरा नरम सक हुए बात ना, पर इसका मतलब यू तो नहीं रे मेरे बीरा, माँ बाप मर गए, अरे तू जमाए बदल गया भाई, मैं लेन देन की भूखी नहीं हूं, मैं कोथली सीधे नहीं चाहिए, अरे मैं एक रुपया भी खर्चा करवा कर राजी नहीं हूं, मगर मेरे भाई कम से कम मेरे गल बात तो कर ले, फोटो के लिए बतलाने लगी, ने बोली भाई मेरी आत्मा रोए है, मेरे भीतर में जाल उठे हैं, सुनियो मेरी बाणो, दिल थाम के सुनना, ताली नहीं बजानी, हाथ नहीं ठाने, जयकारा नहीं लेना, एक एक बोल एक एक लाख रुपया का एक बाण का दर्द सुनना, ये भजन के अंदर एक बाण फूट कर रो पड़ी, फोटू के लिए बात करने लगी, के कर लगी सुनिए, आरे रे क्यों भूल गया मेरे पीर, आते मारो है बहना की, कितने बढ़िया बोल लिखे, क्यों भूल गया मेरे वीर, आत्मा रोए बहना की, क्या एरे रे क्यों भूल गया मेरे वीर, आत्मा रोए बहना की, अरे रे क्यों भूल गया गया मेरे वीर, जब तक जिया करे थी माता, 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 पी हर पुराना, भूल गया तू टेम
भाई बहनों, वह छोरी फोटू का सवाल करना कि बोली भाई जिसका भाई कोन्या वह तनु छाती में मुक्का मारी सक राम ने दिया है कोन्या, और जिसका मर्जा से वह न्यू सबर कर ले जाए राम की खेती थी राम ने काट ली कोनी करम में भाई था गणे दिन इतने दिन का दाना पानी था मैं कुण से कुएं में पड़ू। तू जीव जाग ना तू मर रहा तू जीव भी है और फिर भी भैया दू जाती है मैं तेरे फोटू का टीका करूं रे मेरा पितरला पाठ पाठ के आवाज है कि जिंदे भाई के फोटू का टीका करना पड़ रहा ए बाबा जी सुभान गेल बनू न बेरा रो पड़ी छोरी नंबर तीन पे क्या कहती है भैया दूज सलूमण आवे भैया दूज सलूमण जब भैया दूज सलूमण आवे भैया दूज सतावे घणी वीर तेरी याद सतावे घणी वीर तेरी याद सतावे घणी वीर तेरी याद सतावे एरे रे मेरी कोण बंधावे तीर आते मारो ऐ बहना की रे मेरी कोण बंधावे तीर आते मारो ऐ बहना की अरे रे कदे किसी का मन मनो बहम हो कि मैं अपनी बाण को बुलाना बंद कर दूंगा और फिर मेरा खर्चा नहीं होगा मैं अमीर हो जाऊंगा। एक नंबर का नीच आदमी है वो, उससे घटी आदमी धरती पर कोई भी नहीं जिसकी इतनी गंदी सोच है। सुन रहे मेरे से सात बाण खूब आऊं जाऊं मैं भी आऊं जाऊं जे घनी बाण घनी बेटी होने तो टोटा मेरे तो शरीर पर कपड़े भी ना होने चाहिए थे और मेरे जैसा आनंद शायद ही कोई ले रहा होगा ना गाना आंदा ना बजाना आंदा कुछ भी ना तमन और फिर भी मेरा काम नहीं डटता। न्यू गए लक्ष्मी माता ले भंडार ले पर ठाटा ठोक ढूंढ क्या है ये क्या है पता है ये बाणा की दुआ है या आशीर्वाद है उनका। जो आदमी जितना बाण बेटी का मान सम्मान करेगा जितनी इज्जत करेगा परमपिता परमात्मा इतना धन इतनी सुख शांति दे दे कदे सोचा भी नहीं होगा। मैं वो रामधन गोस्वामी हूँ टूटी हुई साइकिल मैंने इतनी चलाई है थर्म किसी ने भी ना चलाई होगी जितनी मन चला रखी है। मेरा गांव जींद से मेरा गांव है काकसरी झार जिले में पड़ता है मगर मैं जींद में रहता हूँ। अपनी आप बीती बताऊं भाई देखो बाणा की ताकत की बात बता रहा हूँ। मेरा गाँव जींद से 20 किलोमीटर पड़ता है 20 किलोमीटर तो साइकिल पर जाना और 20 किलोमीटर साइकिल पर घर आना टिप्पन का भी व्यंत नहीं था। दो रोटी और बीच में एक प्याज या फिर एक मिर्च काली पन्नी में गाल कर ऊपर वाली गोज में टांगकर साइकिल पर जब जाया करता मेरा याद है वो दिन मैं भूल लिया को अपने औकात न। और आज भगवान ने इतनी लंबी गाड़ी दे रखी हमारा कुंभ में किसे भी को ये मेरी मेहनत नहीं है ये मेरी बाणों का आशीर्वाद है बेबे थारा आशीर्वाद है यो तमन आशीर्वाद दिया है ये काके ताऊ बैठी है इनकी दया ये आशीर्वाद देते हैं जो सर पादर है या इन बाब्या की मेहर है के जितना दिया इस भगवान ने मुझे इतनी तो मेरी औकात ना थी ये तो सब कर्म है इस उपराले का वरना इस रामधन में इसी कोई बात ना थी। सरपंच साहब आप जैसे बड़े भाइयों का प्यार है आशीर्वाद है। समताई नाथ बैठा चेताई नाथ बैठा बालाजी बैठा शंकर भगवान बाबा श्याम अगर हम इनका गुणगान करते हैं तो ये हमारे भंडार भाई साहब इन्हें ठोक के रखे का टाइम छोड़ दे मगर कमी आती है तो हमारी नीत माँ भाई ये कभी किसी के साथ गलत करते नहीं ना आज तक न कदे कर रहा सच्चाई है। ए मेरी बाणो मन सारी बाण नु का आग्रह भाई तू बड़ा प्यारा लग है न्यूंगा के जो तू दिख जे नहीं जमा मन राज्य नु अज है भाई आ गया रामधन कोई भी लुगाई मन नहीं भाई बिना बोलती कोई नहीं क्यों क्योंकि मेरे अंदर वो खूबी नजर आती है उन्होंने कही भाई ये है सबका और मैं राजी हूं। मैं उस बाण के लिए बात करके बड़ा राजी अर्जुन सिंह मैंने भाई कह के बात करे क्योंकि बाण भाई का रिश्ता इतना प्यारा है इतना प्यारा है। मेरी सबसे बड़ी बहन जो है सरपंच साहब उनकी उम्र कम से कम भी 55-55 साल की बूढ़ी हो रही है पोते पोती वाली क्योंकि मेरा जन्म तो बहुत घना बाद में होया है। मैं उनकी गोद में खेलिया हूँ पढ़िया हूँ बड़ा अगर मैं बाण का प्यार नहीं समझूंगा तो कौन समझेगा। अरे लोगो बहन अनमोल रतन है इनकी वैल्यू को समझो
अरे बेबे भाई भी बड़ी अनमोल चीज है, भाई अगले भी दगाना करियो है बेबे, धरती घर धरती इश्क चक्कर मांगे भाइया तना टूटियो मरी वाणो, मतलब संदेश देने खतरा है, मर्जी थारी है, इन विचार ने दहाड़ करोगी भला हो जाएगा ना करोगी मेरा की है, मत अपना बढ़िया काम कर रहा हूं। जो बहाना ने मेरे को सिखाया वही लिखा, आखिरी लाइन में क्या लिख दिया, तेरा हो जा रे रब धन रुते बान्यारा, हो जा रब धन रुते बान्यारा, तेरा हो जा रब धन रुते बान्यारा, तेरा हो जा रब धन रुते बान्यारा, रही ये सब बहाना का प्यारा, रही ये सब बहाना का प्यारा, तेरे रही ये सब बहाना का प्यारा, जिए धर्म लकीर आत्मा दो है बहना की, तेरे नाथ जिए धर्म लकीर आत्मा रो वे बहना की, अरे